देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान से तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर के कपाट सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए हैं, जबकि चार तीर्थों में से अंतिम बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को सुबह 10:30 संबोधित करेंगे। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मावलंबियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माइयो और एस जयशंकर आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 2020-24 कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। मायो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद बेंगलोर की यात्रा के दौरान वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासव राज बोमई से भी मुलाकात करेंगे। इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्में कमाल दिखा रही हैं, तो बॉलीवुड की फिल्में औंधे मुंह गिर रही है। वहीं आज मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज पर आधारित फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैलियां कर सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला, साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर के केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सीएए के बारे में अफवाह फैला रही है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोविड-19 की लहर समाप्त होगी हम सीएए को जमीनी तौर पर लागू करेंगे। ममता दीदी घुसपैठ चाहती है, लेकिन सीएए एक हकीकत था, है और रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पर हमला बोला, तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक संवाददाता सम्मेलन में ममता ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अमित शाह और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। ममता ने कहा कि गृह मंत्री को देखना चाहिए कि दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ। बंगाल की चिंता न करें, भाजपा काम है विभाजन पैदा करना। उत्तर प्रदेश के बिजली घरों के लिए विदेशी कोयले की खरीद उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकती है। भारत सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बिजली की दरें 1 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ सकती है। एक तरफ निजी उत्पादकों ने जहां विदेशी कोयले की खरीद के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने सरकार को पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए इसके लिए मंजूरी मांगी है। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपदा घोषित कर दिया है ताकि उत्तरी न्यू मैक्सिको के दूरदराज के क्षेत्रों में ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तेज हवाओं के कारण आग की गति बढ़ी है, इसका असर लोगों की निकासी पर पड़ रहा है। खाने के तेल सस्ते हो सकते हैं, इसके लिए सरकार कच्चे पाम तेल के आयात पर कृषि इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस को 5% से कम करने पर विचार कर रही है। ये कटौती कितनी होगी ये स्पष्ट हालांकि नहीं है। हाल ही में सेस को 7.5% से घटाकर 5% किया गया था। सेस कुछ उत्पादों पर मूल टैक्स के बाद लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के खर्च पर किया जाता है। चीन में शून्य कोविड नीति के कारण संघाई के निवासियों को अभूतपूर्व उपेक्षा और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो में यहां मानवाधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन की पुष्टि की जा रही है। अमेरिकी पत्रिका नेशनल रिव्यू की रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी की रोकथाम के लिए चीन की व्यवस्था का क्रूर और अमानवीय पक्ष उजागर हुआ है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।